Very good. Khush, aaj good boy ban ke school ja. Okay? Baal seedhe kar lo abhi. Yeah, this is good. Khush, aise nahi. How? Aapke nail mujhe scratch kar rahe hain, aap nails nahi kaatti kya? Khush, ek to main tumhe ready kar rahi hu aur upar se tumhare natak alag. Main bina matlab apna time waste kar rahi hu. खुश, मामा ने कहा है ना मामा तुम्हें स्कूल ड्रॉप करेगी. कहाँ जा रहे हो? जस्ट वेट देयर. मम्मी, असेंबली का टाइम हो रहा है. मैं ड्राइवर अंकल के साथ चला जाऊंगा. आप मुझे स्कूल ड्रॉप क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रिया एंजल से अच्छी मां साबित हो. मम्मी, और कितना टाइम लगेगा आपको रेडी होने में? मैं लेट हो रहा हूँ. चलो ना प्लीज. खुश, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना. देखो, अगर तुम्हारी मम्मा अच्छी लगेंगी, प्रिटी लगेंगी, तो सब तुमसे बात करेंगे, तुम्हें इम्पोर्टेंस देंगे, कहेंगे तुम्हारी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल है ना. बट मम्मा, मैं लेट हो रहा हूँ. खुश, दो मिनट. ओहो खुश पुत्र, वो बड़ा हीरो शीरो सा लग रहा है यार. वो स्कूल की यूनिफॉर्म में तू स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिख रहा है. ओए यार, तेरी मम्मी तुझे डराव करने जा रही है. की गल है? मैं लेट हो रहा, ये गल है मामा जी. क्या बात है आयशा, तेरे श्रृंगार का आइटम चल रहा है. और आज कोई स्पेशल प्रोग्राम है क्या? करना पड़ता है मामा जी, क्या करें. आज प्रिया दी भी स्कूल आई होंगी पीहू को लेकर, अपनी प्रेशियस पीहू. उसका पहला दिन है ना स्कूल में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिया दी से अच्छी लगूं. So, वो तो प्रिया से ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल है. ओ, उसके लिए तुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत है? वो बच्चे ने तो ड्राइवर के साथ भी चले जाना है. वो तू अपनी किटी पार्टी में जा और कपूर होने का इम्प्रेशन जमा. हाँ राइट, अब सही कह रहे हैं. चलो खुश, जल्दी चलो. चलो चलो, थैंक यू. भगवान जी, किसकी चमचागिरी करवा रहे हैं? आपको कोई और नहीं मिला? रेहान, रेहान सुनो. रेहान, मुझे कुछ नहीं सुनना है. तुम उसे इस घर में ले आए क्यों? Let me ask. रेहान, रेहान, अरे बात सुनो नेहा, आराम कर रहे हो, उसे आराम करने दो. ये कोई जगह आराम करने की उसके लिए? ये उसका घर थोड़ी ना है. अरे तुम कर क्या रहे हो यहाँ? क्यों लेकर आए हो इसे? मुझे पता है यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने इसे अपने घर से निकाल दिया, इसलिए वो यहाँ आए. पर ये काम डूदा कि हैज टू नो कि ये उसका घर नहीं है. और अगर तुम नहीं बता सकते ना, मैं बताती हूँ. नेहा मेरी बात सुनो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना है विक्रम, ये घर उसका नहीं है. एंड द सूनर ही अंडरस्टैंड्स द बेटर इट इज फॉर हिम. और वो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं रह सकता, इसे अपने साथ ले जाती हूँ. रेहान, रेहान, उठो. शेमलेस. रेहान, रेहान. बुखार है उसको ने. तेज. और इसलिए मैं उसे यहाँ लाया. अभी दवाइयों के नशे में है, को आराम करने दो. ही नीड्स रेस्ट. तो बहुत तेज है, डॉक्टर को बुलाएं. डॉक्टर को दिखाया और सारे ब्लड टेस्ट दिखाए. तो मेरे साथ बाहर आओ, मैं बता दूं. कब आप? नर्वस बिल्कुल मत होना, ओके? जस्ट डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. कुछ नहीं होगा तुम्हें. यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड इन योर फर्स्ट डे. और तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है? बैग में. हाँ, ऑफ कोर्स. मैं भी पागल हूँ, बैग में ही तो होगा. और तुम्हारे बुक्स और टाइम टेबल सब किसने पैक किया तुम्हारा बैग? मेरी मम्मा ने. हाँ, फिर तो ठीक ही होगा. और सुनो, नर्वस बिल्कुल मत होना, ओके? हाँ पापा. हाँ.
कितनी बार बोलोगे नर्वस मत होना नहीं होंगी। मम्मा आप ही बता दो इनको, मैं नर्वस नहीं होंगी। मिस्टर कपूर, पीहू पीहू नर्वस नहीं है, आई थिंक आप नर्वस हैं। आपको नहीं लगता कि हम यहाँ स्कूल तक आए हैं तो पीहू को क्लास में भी जाना चाहिए? ऑफकोर्स मैं वही। मैं प्रिंसिपल आ रही है। मिस्टर एंड मिसेस कपूर, इट्स नाइस टू सी यू विद योर फैमिली। हाय पीयू। हाय, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। तुम दोनों एक मिनट, डार्लिंग आई थिंक मैं दोनों बच्चों को क्लासरूम तक छोड़ के आता हूँ, तुम प्रिंसिपल मैम से बात करो। आई विल सी यू सून, बाय। All the best. अच्छा एक मिनट, आपका क्लासरूम आ गया है। बोथ ऑफ यू हैव अ गुड डे एट स्कूल और साथ में ही रहना तुम दोनों, ओके? और पीहू, किसी चीज की प्रॉब्लम हुई तो खुश से बताना, ओके? वो आपकी मदद करेगा। और बिल्कुल रोना नहीं, ओके? बी अ ब्रेव गर्ल। पापा, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो मैं रोऊंगी और नर्वस होंगी? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो मैं क्राई करता हूँ। अब हम दोनों बिग चिल्ड्रन हो गए ना। ओके, गुड। सॉरी, मैं जानता हूँ कि पापा ज्यादा बात कर रहे हैं, बट अब एक और चीज, तुम लोग दोनों अपनी बॉटल से ही पानी पीना और अपने टिफिन से ही खाना खाना, ओके? बाहर का पानी मत पीना और बाहर का कुछ और मत खाना, ओके? ओके। तो तुम लोग क्लास का टाइम हो गया, तुम लोग जाओ और मैं चलता हूँ। यस पापा। बाय। ओके बाय। बाय पापा। पापा। हाँ क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? क्या हुआ? यू गॉट नर्वस? मेरी बॉटल। आप लोग जाओ। बहुत देर लग गई आने में। सॉरी सॉरी, वो थोड़ी देर लग गई, बट दे आर वेल सेट। बहुत क्यूट क्लास में है। तो डार्लिंग, घर चले। You know what I was thinking? On the way, you know, tumhara favorite breakfast curry, wo kya hai? Brun, brun thingy. Brun maska. Brun, brun maska. Raste mein brun maska khate, aap lengi? Oh, thanks. Okay. Chale, chale. Bye. Bye. Thank you so much, ma'am. Thank you. मुझे आप आगे ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। कहाँ जाना है बता दो, मैं ड्रॉप कर लूंगा। नो, इट्स ओके, आई विल मैनेज। वैसे भी जिस तरफ मुझे जाना है वो आपके लिए बहुत आउट ऑफ द वे हो जाएगा, तो इट्स ओके, आई विल मैनेज। अरे बता दो कहाँ जाना है ना यार। वो स्काई चेंबर्स की तरफ जाना है, एंड आई नो आपके लिए बहुत उल्टा पड़ जाएगा। वही जा रहा हूँ मैं यार, जस्ट गिव मी द एग्जैक्ट एड्रेस। तुम लॉयर के पास है, यानी कि तुम ये केस लड़ोगी मुझसे? ये जानते हुए भी कि तुम ये केस जीतने वाली नहीं हो, तुम लड़ोगी मुझसे? वाओ, और तुम्हें लॉयर भी मिल गया, अमेजिंग। कोई रस्ते वाला लॉयर क्यों लिया है तुमने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरे से एडवाइस ले सकती थी, कोई ढंग का लॉयर तुम्हें दिलवा देता था मैं। हाँ, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, रजत सर ने अरेंज कर दिया। बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट लॉयर है, दुबई से स्पेशली आ रहा है इस केस के लिए, तो जरूरत नहीं पड़ी आपसे कुछ कहने की। I'm sure. I'm sorry, मेरी गलती है, मैं भूल गया था कि रजत सर हैं आपके साइड में, आपकी मदद कर रहे हैं।
I should have remembered. Good, good for you. ये रजत सर हैं आपके साथ. शंकर, वोट ले लो. मैडम को वोट जाना है. Thanks. Priya, best of luck. We're going to meet him. Good day, Mr. Kapoor. And thanks for dropping me. It's okay. Bye. आगे चलो. मेरी कॉफी शुगर फ्री लिटिल स्ट्रॉन्ग. तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो रेहान अच्छा भी नहीं लगता. उसे कभी भी तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो व्हाई? उसे तुम घर ले आए, उसकी देखभाल कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो. क्यों? ये मेरा काम है रेहान, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक फोन तो कर लेते. देखो नेहा, मैं जब उसके घर गया तो उसको यहाँ लाने के लिए थोड़ी गया. मैं तो उसे तुम्हारे पास जाने के लिए मना करने गया था. लेकिन जब उसकी ऐसी हालत देखी तो क्या करता यार? ये जो तुम अभी देख रही हो उससे कहीं बदतर हालत थी कल उसकी. तो जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया. उसको डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने बोला कि उसकी हालत काफी खराब है, उसे घर के आराम की जरूरत है. उसको ही नीड सम केयर. तो कहाँ छोड़ गया था उसे? वहां से तुम्हें फोन करके अपडेट करने वाला था पर सोचा या के यहाँ पार्टी या पीहू के लिए सारे लोग आए होंगे, तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं, इसीलिए यहाँ ले आया उसे. आज सुबह तुम्हें फोन करने वाला था तो तब तक तुम खुद ही आ गई. तुम इतने थॉटफुल क्यों? व्हाई यू सो नाइस? तुम इतने अच्छे और हमेशा लोग इसका ना फायदा उठाते हैं. एंड आई विल नेवर बी वन ऑफ दोस पीपल हु टेक्स एडवांटेज ऑफ यू. देखो तुमने जो कुछ भी किया ना उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. थैंक यू वेरी मच. बट बहुत कर लिया तुमने. रेहान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अब मैं उसका ख्याल रखूंगी. एंड यू नो वॉट, मैं उसे अपने साथ ले जाने वाली. एज इट इज रेहान की वजह से राहुल तुमसे खफा है और मैं नहीं चाहती कि रिची और सैमी भी तुमसे इरिटेटेड हो जाए. ओके ठीक है, जस्ट काम डाउन. जो तुम्हें ठीक लगेगा वैसे ही कर. फिलहाल उसको यहीं रहने दो. कहाँ ले जाओगे उसे? वो घर ऑलरेडी इतना छोटा है. पीहू है, प्रिया है, तुम हो, ऊपर से प्रिया की फैमिली भी वहीं रहती है. सब लोग सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे उन्हें? देखो उसका एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू हो गया, एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा. फिर सोचेंगे क्या करना है. जैसे तुम चाहोगी वैसे ही करेंगे. लेट हिम बी हियर फॉर द टाइम. और सके तो तुम राहुल को संभाल लो प्लीज. जानता हूँ बड़ा और है, मुझसे गुस्सा है, उसका व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सवाल हैं उसके पास. लेकिन वो सब बाद में हैंडल कर लेंगे. पर रिजी और सैमी को मैं समझा दूंगा कुछ. बट प्लीज फॉर द टाइमिंग राहुल को हैंडल कर लो. डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा. एंड दिस इज फैमिली. व्हाट इज द वर्ड? Family. Okay, children. Now we'll all have our meal. Let's take a short break. Everybody, open your tiffin boxes. Enjoy your meal. Ayan, Veer, Isha, main hai. Ye meri sister Pihu. Pihu, ye mere friend. Hi. Tum dono brother sister ho? हाँ. तुम एक ही house में रहते हो? नहीं, मैं और मम्मी एक फ्लैट में रहते हैं. खुश और उसके पापा कोई और फ्लैट में रहते हैं. ओ, डिफरेंट हाउस में रहते हो? हाँ. हमने खुश का हाउस तो देखा है. तुम्हारा हाउस कितना बड़ा है? मेरे घर में ना दो रूम है. टू रूम्स? हाँ. इतना छोटा घर? मेरे तो डॉल हाउस में भी 8 रूम्स है और मेरे हाउस में 6 रूम्स है. तुम्हारे पास कौन सी कार है? मेरे पास कार नहीं है, मेरे पापा के पास कार है. पर वो तुम्हारे हाउस में नहीं रहते है ना? नहीं. तो तुम्हारे पास गैरेज में कोई कार नहीं है? नहीं. तुम हॉलीडे पे वाटर पार्क गई हो क्या? नहीं. तुम्हारे पास मैजिक बॉक्स नहीं है? तुम्हारे पास ग्लिटर वाली पेंसिल भी नहीं है? नहीं.
अभी हम टिफिन खा लेते हैं वरना मैम आ जाएगी। छी, तुम आलू पराठा खाते स्कूल में? तुम पुअर हो क्या? मेरी मम्मी ने तो मुझे पीनट बटर और सैंडविच दिए। यू तुम्हारा टिफिन कितना ओल्ड है? मेरे टिफिन यूज करते हो? मेरे पास रेड टिफिन भी है और ऑरेंज वाटर बॉटल भी है और मेरी मम्मा बोलती है पराठा इसी टिफिन में एकदम अच्छा रहता है और आलू पराठा मेरा फेवरेट है। पीहू पुअर है, पीहू पुअर है। है कैसा मत बोलो, ये मेरी सिस्टर है। पापा ने कहा है कि मैं और पीहू सब कुछ एक साथ शेयर करेंगे। मैं इसको अपना टिफिन भी दूंगा और थोड़ी देर में पीहू मेरे साथ मेरे घर रहेगी। पीहू के पास भी बिग हाउस होगा और पीहू के पास एक कार होगी। पीहू पुअर है, तुम पुअर हो। पीहू के पास बड़ी कार नहीं। पीहू पुअर है, तुम्हारा ब्रदर हूँ ना और बेस्ट फ्रेंड भी हो। तुम पुअर हो तो चलेगा, मैं तुम्हारे साथ सब शेयर करूँगा। जैसा मैंने मिस्टर रजत कपूर को बताया, चूंकि अब आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो चुकी है, हमारा केस काफी स्ट्रांग हो गया है। आफ्टर ऑल यू आर पार्टनर ऑफ मिस्टर रजत कपूर, सो रेस्ट अश्योर्ड प्रिया जी, द केस शुड गो योर वे। द केस कैन बी इन योर फेवर मिस्टर कपूर। वी जस्ट नीड टू शो दैट आप अपनी बेटी का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से उठा सकते हैं और कोर्ट ये देखेगा बच्ची किस पेरेंट के साथ ज्यादा सिक्योर है। उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज अ ह्यूज कंसर्न जो डेफिनेटली आपकी वाइफ कोर्ट को नहीं अश्योर कर सकती। यही सुनना चाहता था, खुद जाओ। इसका मतलब हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप अपने हस्बैंड मिस्टर राम कपूर से सब्सटेंशियल एलिमनी क्लेम कर सकती हैं। ही इज अ बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, मिलियनर। तो आपकी एलिमनी तो काफी कमाल की होगी। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज योर राइट। आप चाहें तो मैं मिस्टर कपूर को आज ही नोटिस भेज देता हूँ। नहीं सर, मुझे मिस्टर कपूर से कुछ नहीं चाहिए। मैं ये केस इसलिए नहीं लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे एलिमनी या किसी और तरह का कोई कॉम्पेंसेशन चाहिए। मैं तो इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मिस्टर कपूर ने मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिया। नो ऑफेंस मेंट, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि घर के मामले घर में ही सॉल्व हो तो अच्छा है। जब भी हम रिश्तों के बीच में कानून को ले आते हैं तो घर बनते नहीं, टूट ही जाते हैं। बट मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और जहाँ तक पीहू की कस्टडी का सवाल है, मैं तो यही चाहूँगी कि पीहू को माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। लेकिन अगर उसका मतलब ये है कि मिस्टर कपूर हमेशा पीहू को अपने पास रखें और मेरे पास नहीं, तो मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम हियर। आई अंडरस्टैंड मिस्टर खान, प्लीज जस्ट फोकस ऑन द कस्टडी। बाकी जो भी डिसीजन मिसेस कपूर और उनके हस्बैंड के बीच में है, That's entirely theirs. Custody, Priya ko milni chahiye. As you please, Mr. Kapoor. In fact, अगर custody सिर्फ मुझे ना मिले और हम दोनों के बीच भी ऐसा कोई arrangement हो सके कि पीहू कुछ time मेरे पास और कुछ time Mr. Kapoor के पास रह सके, honestly, I wouldn't mind that. It's just that Mr. Kapoor चाहते हैं कि पीहू सिर्फ उनके पास रहे और वही सारी problem है. Yeah, that's correct. Make some arrangements. Labor होगा, आपने देख लिया है, so I don't think it should be a problem. I'll manage. Sir. Yeah. So if you don't mind, can I leave? I mean, I know कि हम यहाँ मेरे ही काम के लिए, but पीहू को स्कूल से पिकअप करने का टाइम हो गया, so आज उसका पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ रहूँ जब वो स्कूल से निकल कर आए. Could I? Of course you can. Sure you can. मैं मिस्टर खान से बाकी सारी प्लानिंग कर लूंगा. You leave. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, sir.
आप मुझे फोन कर दीजिएगा थैंक यू फॉर एंड से आई हैड द लिटिल मॉन्स्टर फ्रॉम माय साइड थैंक यू इस केस के सिलसिले में अगर कुछ भी हो जाए आप इमीडिएटली मुझे फोन करें मिस्टर पुराना आप जानते हैं ये केस मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है श्योर मिस्टर कपूर प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड आई विल हैंडल इट ओके गुड आई थिंक मैं चलता हूं आवर वर्क हियर इज डन या मिस्टर कपूर को गाड़ी तक छोड़ शाम से बात करता हूं ड्राइवर अच्छा लगा ये देखकर मिस्टर कपूर कि आप और मैं हम दोनों ही अपनी बेटी से बराबर प्यार करते हैं तुम अगर अपने लॉयर से मिल सकती तो मैं अपने लॉयर से नहीं मिल सकता हाँ लेकिन आप बता तो सकते थे मुझे कार में जब आप मुझे लॉयर से मिलने के ताने दे रहे थे तब ये भी कह सकते थे कि आप खुद भी यहाँ लॉयर से मिलने आ रहे हैं चलो नो थैंक्स मैं खुद चल जाऊँ हम दोनों को एक ही जगह जाना है तुम भी स्कूल ही जा रही हो ना आज पीयू का स्पेशल डे है यू वांट दैट गेट्स स्पॉइल्ड और अगर प्रिंसिपल ने हम दोनों को देख लिया तो अच्छा लगेगा अगर हम लोग अलग अलग पहुंचे चलो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़